मॉर्निंग क्लास फोर ओके नाउ वी हैव ऑलरेडी डन आर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ फ्रैक्शंस जिसमें हमने शेप्स से फ्रैक्शंस uh, uh, निकालना और फ्रैक्शन uh, से शेप्स uh, uh, को शेड करना अकॉर्डिंगली वी हैव लर्न ठीक है नाउ इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज हम पिक्चर्स को देख के हम फ्रैक्शंस निकालेंगे अगेन ठीक है बट एक ही पिक्चर में से अलग अलग फ्रैक्शंस निकल सकते हैं हाउ का मैं आपको बताता हूँ जैसे कि आप ये आ, ये एग्जाम्पल देखें यहाँ पे फाइव बॉल्स हैं ठीक है, है? इसमें से तीन ब्लैक हैं एंड टू वाइट हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ बॉल्स आर ब्लैक इसमें से काली बॉल्स कितनी हैं तो आप कैसे करेंगे आप पहले टोटल बॉल्स गिनेंगे वन टू थ्री फोर फाइव टोटल फाइव बॉल्स हो गई उसमें से कितनी बॉल्स आपकी ब्लैक हैं वन टू थ्री थ्री तो जो ब्लैक बॉल्स हैं उसका आपका फ्रैक्शन हो गया थ्री बाय फाइव और अगर मैं इसी में से पूछूं कि आप मुझे बताइए इसमें से वाइट बॉल्स का फ्रैक्शन कितना है तो हम क्या करेंगे टोटल बॉल्स हो गई और उसमें से वाइट बॉल्स कितनी तो हमारी वाइट बॉल्स का फ्रैक्शन कितना हो गया टू बाई फाइव ओके सिमिलरली अगर हम यहां पर देखें यहां पर फिशेज हैं छह फिशेज हैं चार छोटी हैं और दो बड़ी हैं ठीक है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मॉल फिश का स्मॉल फिश का फ्रैक्शन कितना है तो टोटल फिशेस कितनी है जो टोटल फिशेस होती है वो हमेशा नीचे आएंगी डिनोमिनेटर में नीचे आएंगी सिक्स और जो कि हम पूछ रहे हैं छोटी फिशेस कितनी है चार तो ये आपका हो गया स्मॉल फिश का फ्रैक्शन और अगर बड़ी फिश का फ्रैक्शन पूछना है तो नीचे सिक्स ऊपर टू क्योंकि दो बड़ी फिश है तो सिक्स में से फोर छोटी फिश एंड सिक्स में से टू बड़ी फिश फाइव में से थ्री ब्लैक बॉल्स फाइव में से टू व्हाइट बॉल्स तो इस तरीके से आप इसको फ्रैक्शन निकाल सकते हैं तो आपकी सेवन आपकी जो एक्सरसाइज है सेवन बी उसमें जो क्वेश्चन वन है वो आपका इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है जहां पे आपको पिक्चर्स देख के आपको फ्रैक्शन डिटरमाइन करना है उसके अलावा दर इज अनादर कॉन्सेप्ट जहाँ पे आपको वर्ड वर्ड फॉर्म में आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपको फ्रैक्शन लिखना है जैसे कि फाइव आउट ऑफ सिक्स मतलब फाइव आउट ऑफ सिक्स हम जब भी आपके मार्क्स बताते हैं क्लास में कि आप हमसे पूछते हैं कि सर मेरे कितने मार्क्स आए तो मैं बोलता हूँ आपके आए एट आउट ऑफ टेन एट आउट ऑफ टेन मतलब दस में से आठ मार्क्स आए या फिर सेवन आउट ऑफ टेन दस में से सात मार्क आए या मैं बोलता हूँ टेन आउट ऑफ टेन फुल मार्क्स आए मतलब दस में से दस मार्क्स आए हैं तो वो इसी तरीके से ऐसे लिखा जाता है जैसे अब मैं बोलूँ एट आउट ऑफ टेन तो मैं इसको लिखूंगा एट आउट ऑफ टेन और मैं ऐसे गोला बनाता हूँ ये आपके मार्क्स हो गए तो ये जो एट आउट ऑफ टेन है ये ऐसे लिखा जाता है टेन में से एट फाइव आउट ऑफ सिक्स टोटल सिक्स थे उसमें से कितने आए फाइव फाइव आउट ऑफ सिक्स एट आउट ऑफ टेन ओके इस तरीके से आपको यहां पे क्वेश्चन नंबर टू करना है ठीक है नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री आपका बहुत ही अच्छा सा वो है क्वेश्चन है इसमें क्या है आपको अलग अलग अम्ब्रेलाज दी हुई हैं ठीक है थीके? अलग अलग अम्ब्रेलाज हैं यहां पे आ, कुछ अम्ब्रेलास खुली हुई हैं कुछ अम्ब्रेलास बंद हैं कुछ अम्ब्रेलास पे डॉट लगे हैं और कुछ अम्ब्रेलास पे डॉट नहीं लगे हैं तो आपको सबका बताना है आपको फ्रैक्शन बताना है कि कितनी अम्ब्रेलास ओपन है तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले तो आप टोटल अम्ब्रेला देखेंगे कितनी है और उसके ऊपर लिखेंगे जो कि अम्ब्रेला खुली हुई हैं यहाँ पर आपको क्लोज अम्ब्रेला बताना है टोटल अम्ब्रेला लिखेंगे और उसके ऊपर लिखेंगे कितनी अम्ब्रेलास बंद हैं Umbrella, मतलब जिसमें डॉट्स नहीं है वो स्ट्राइब्ड है ये वाली स्ट्राइप्स कहलाती हैं जो डॉट्स नहीं है स्ट्राइब्ड अम्ब्रेला कितनी है टोटल अम्बरेला के ऊपर नंबर ऑफ स्ट्राइप्स अम्ब्रेलास लिखेंगे और उसी तरीके से आप डॉटेड अम्ब्रेलास भी लिखेंगे तो ये चार हैं आपको चारों के फ्रैक्शन आपको लिख के बताने हैं क्वेश्चन नंबर फोर में आपका एक फिगर बना हुआ है आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको शेप डिसाइड करनी है कि वो फ्रैक्शन किस शेप से मैच करती है एंड लास्ट क्वेश्चन अगेन आपका पिक्चर क्वेश्चन है उसमें आपको पिक्चर देख के आंसर देना है जैसे कि मैं आपको बताऊं जैसे कि पहला है ये तो इसमें लिखा हुआ है डैश ऑफ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग मतलब डैश ऑफ द चिल्ड्रन आपको फ्रैक्शन बताना है कितने बच्चे खेल रहे हैं तो टोटल कितने बच्चे हैं टोटल बच्चे हैं चार और खेल रहे हैं उसमें से तीन और एक बच्चा बैठा हुआ है टोटल चार बच्चे हैं और खेल रहे हैं केवल तीन तो आप क्या लिखेंगे टोटल तो बच्चे हैं चार और उसमें से खेल रहे हैं थ्री तो ये आपका खेलने वाले बच्चों का फ्रैक्शन बन गया ओके okay? इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर फाइव करना है ओके नाउ कमिंग टू अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन हम जब भी फ्रैक्शन लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं टू बाय सेवन फाइव बाई एट नाइन बाय टेन तो इसमें हम एक नंबर ऊपर लिखते हैं और एक नंबर नीचे लिखते हैं तो ऊपर वाला नंबर क्या कहलाता है ऊपर वाला नंबर कहलाता है न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर क्या कहलाता है ऊपर वाला नंबर कहलाता है न्यूमरेटर ठीक है न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर कहलाता है डिनोमिनेटर ठीक है डिनोमिनेटर तो जब भी हम इनको शॉर्ट फॉर्म्स में लिखते हैं तो हम लिखते हैं न्यूमरेटर बिकॉज ये एन से स्टार्ट होता है और डिनोमिनेटर बिकॉज ये डी से स्टार्ट होता है ठीक है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर तो जब भी हम यहाँ पे अगर मैं आपको फ्रैक्शन में पूछूँ कि इसमें न्यूमरेटर कौन सा है तो टू आपका न्यूमरेटर है सेवन डिनोमिनेटर है अगर यहाँ पे पूछूँ तो मैं लिखूँगा फाइव क्या है न्यूमरेटर है एट क्या है डिनोमिनेटर है 9/10 में 9 आपका न्यूमरेटर है 10 आपका डिनोमिनेटर है ओके okay? तो अब इसी बेस पे देयर इज अ क्विक असेसमेंट ऑन 94 पेज उसमें आपको क्या करना है आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपसे नंबर पूछा गया है कि वो न्यूमरेटर है कि डिनोमिनेटर है तो बहुत ही आसान है अगर मैं यहां 5/6 फ्रैक्शन है तो 6 यहां पे क्या है 6 इज डिनोमिनेटर तो आपको वहां पे लिखना है डिनोमिनेटर और अगर मैं इसमें पूछू फाइव इज अ फाइव क्या है फाइव इज अ न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर एंड अगेन इसमें क्वेश्चन नंबर टू में सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ही बताना है बट आपको वहां पे नंबर लिखना है जैसे कि फाइव बाई नाइन है इसमें न्यूमरेटर क्या है तो न्यूमरेटर के नीचे न्यूमरेटर वाला नंबर न्यूमरेटर क्या है फाइव तो न्यूमरेटर के नीचे लिखेंगे फाइव डिनोमिनेटर क्या है डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर नाइन तो डिनोमिनेटर के नीचे नाइन लिखेंगे तो यहाँ पे इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हुआ फाइव डिनोमिनेटर हो गया नाइन और इसी तरीके से आपको सारे इसमें शो करने हैं ओके okay. नाउ एक और इसमें कॉन्सेप्ट है विच इज़ फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन नंबर लाइन पे आपको फ्रैक्शंस uh, बनाना आना चाहिए तो हम फ्रैक्शंस कैसे बना सकते हैं जैसे कि सपोज करो ये नंबर लाइन आपको दी हुई है जीरो टू वन की ठीक है अब इसमें मेरे को बनाना है फ्रैक्शन सेवन बाय एट ठीक है सेवन बाई एट ठीक है तो मैं इसमें क्या करूंगा इस पूरी जीरो सो वन के में एट हिस्से करूंगा डिनोमिनेटर एट हिस्से करूंगा एट हिस्से करने के लिए मेरे को बीच में कितनी लाइनें खींचनी पड़ेंगी मुझे सेवन लाइनें खींचनी पड़ेंगी कैसे इक्वी डिस्टेंस पे सात लाइनें खींचनी इक्वल इक्वल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो देखो यहां पे एट हिस्से हो गए ये लाइनें आपको इससे एक कम खींचनी होती हैं ताकि उतने हिस्से बने जैसे यहां पे देखो कितने हिस्से बने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है जब भी आप काउंटिंग करेंगे आप लाइन्स काउंट नहीं करेंगे आप ये हिस्से काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है ये टोटल एट हो गए अब इसमें से आपको सात हिस्से निशान लगाना है तो सात हिस्से काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहां पे आ गया तो ये आपका हो गया seven by eight. इस तरीके से अच्छा अगर मैं बोलूं कि मुझे यहां पे पता करना है सपोज करो टू बाय फाइव तो मेरे को इस जीरो टू वन के पांच हिस्से करने पांच हिस्से में कैसे करूंगा चार लाइनें खींच के ठीक है वन टू थ्री फोर इक्वल डिस्टेंस पे फोर लाइनें खींच दी तो मेरे कितने हिस्से हो गए एक हिस्सा दो हिस्सा तीन हिस्सा चार हिस्सा और पांच हिस्से इस तरीके से अब मुझे निशान का लगाना है दो हिस्सों के बाद तो एक हिस्सा दो हिस्सा और ये निशान टू बाय फाइव ये हो गया मेरा टू बाय फाइव ठीक है इस तरीके से आपको नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस बनाने जितने नीचे आपका डिनोमिनेटर है उतने हिस्से करने हैं अगर तो पाँच हैं तो चार लाइनें खींच के पाँच हिस्से करेंगे अगर आठ है तो सात लाइनें खींच के आठ हिस्से करेंगे लाइनें इससे एक कम खींचेंगे पाँच था मैंने चार लाइनें खींची एट था मैंने सेवन लाइन्स खींची ठीक है और उसके बाद ऊपर वाला नंबर उतने हिस्से काउंट करके आपको वहाँ पर निशान लगा के ये फ्रैक्शन लिख देना है तो ये आपका फ्रैक्शन आ जाता है ओके okay. अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें उल्टा होता है आपको नंबर लाइन दी होती है आपको बताना होता है कि ये फ्रैक्शन ये वाला जो निशान लगा हुआ है ये कौन सा फ्रैक्शन है तो यहां पर हम कैसे कर सकते हैं इसको अगेन हम वही हिस्से काउंट करेंगे पहले हम टोटल हिस्से काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन वन तक थर्टीन हो गए तो नीचे हम लिखेंगे थर्टीन और ये निशान कहां लगा हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन तक तो ऊपर आ गया नाइन ये आपका हो गया नाइन बाई थर्टीन ईजी एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं अब इसमें ना हिस्से थोड़े कम हैं अब हम पता करेंगे कि ये वाला फ्रैक्शन कौन सा है तो हम पहले टोटल हिस्से काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टोटल एट है और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कितने चाहिए वन टू थ्री फोर फाइव तो ये आपका फ्रैक्शन हो गया फाइव बाई एट आया समझ में ठीक है तो इस तरीके से आप आपको नंबर लाइन पे अगर कुछ भी निशान का फ्रैक्शन पूछा जाए तो आप इस तरीके से उसका फ्रैक्शन बता सकते हो अब एक और मैं चीज़ आपको बताता हूँ इसके अंदर कि जो हम फ्रैक्शंस लिखते हैं ना सारे जो किसी भी नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस होते हैं देखो कैसे होते हैं आ, यहां पे अगर मैं पूछूं ये फ्रैक्शन कौन सा है या ये कौन सा है या ये कौन सा है तो इन सब फ्रैक्शन को हम कैसे लिखेंगे पहले टोटल गिनते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नीचे तो एट आना है यहां पे क्या आएगा ये वन है तो ये होगा वन बाई एट ये दो हो गए वन और टू तो ये होगा टू बाई एट ये वन टू थ्री हो गए तो ये होगा थ्री बाई एट इसी तरीके से ये होगा फोर बाय एट फाइव बाई एट सिक्स बाय एट सेवन बाय एट ठीक है अब वन बाय एट के पीछे क्या होगा जीरो बाय एट और इसके आगे क्या होगा एट बाय एट राइट तो यहां पे जीरो बाय एट को हम जीरो लिख सकते हैं जो हमने लिखा था स्टार्टिंग पॉइंट और एट बाय एट को हमने वन लिखा था क्यों क्योंकि एट डिवाइडेड बाय एट वन होता है और जीरो सो so, किसी से भी डिवाइड करें तो आंसर हमेशा जीरो आता है अगर यहाँ पे भी अगर आप देखो ऊपर वाले फ्रैक्शन में तो ये आपका होगा फाइव बाई एट फोर बाय एट थ्री बाय एट टू बाय एट वन बाय एट जीरो बाई एट और यहाँ पे हो जाएगा सिक्स बाय एट सेवन बाई एट और एट बाई एट एट बाय एट हो गया वन और जीरो बाय एट हो गया जीरो तो जब भी ऊपर और नीचे नंबर सेम होते हैं तो वो वन होता है क्योंकि जब भी हम एट को एट से डिवाइड करते हैं तो एट वन जा एट आता है और जब भी हम इसको डिवाइड करते हैं जीरो से तो एट जीरो, जा जीरो आता है ठीक है तो इसी बेस पे आपकी एक क्वेश्चन नंबर थ्री है सेवन सी में जहां पे आपको एंसर्कल करना है फ्रैक्शंस को जो कि जीरो शो करते हैं तो जो भी फ्रैक्शंस जीरो बाई कोई नंबर है एट ज़ीरो बाय सेवन जीरो बाय सिक्स या जीरो बाय फाइव तो वो सारे फ्रैक्शंस आपके ज़ीरो डिनोट करते हैं और जो भी फ्रैक्शन जहाँ पे एट बाई एट या सिमिलर नंबर है सिक्स बाय सिक्स सेवन बाय सेवन या टेन बाय टेन ये सारे फ्रैक्शंस आपके वन डिनोट करते हैं अकॉर्डिंगली आपको पहचानना है कि कौन से फ्रैक्शंस वन डिनोट करते हैं और कौन से फ्रैक्शंस जीरो डिनोट करते हैं तो इसी बेस पे वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू डू एक्सरसाइज सेवन बी आपको सेवन बी एक्सरसाइज करनी है दर इज अ क्विक असाइनमेंट ऑन नाइन्टी फोर पेज वो करना है और सेवन सी एक्सरसाइज करनी है ओके वंस यू डू इट एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की फ्रैक्शन कितने तरीके के होते हैं अकॉर्डिंगली हम इक्वल फ्रैक्शन की कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे ओके okay? तो आप ये एक्सरसाइज आप आ, करके सबमिट कराइए एंड इन दी नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक Okay class, thank you.